हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। फ्रेंड्स, आज 24 दिसंबर 2017 है और आज के करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रीय न्यूज़ की बात करें तो पहला है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र और इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट योजना का आधारशिला रखा है और उसकी पट्टिकाओं का अनावरण किया है। तो दो कार्यक्रम है, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र और दूसरा है इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट योजना। ये दो चीजों की आधारशिला रखी गई है नई दिल्ली में। और किसके द्वारा रखी गई है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू से संबंधित अन्य जानकारी की बात करें तो वेंकैया नायडू भारत के 93वें उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो हामिद अंसारी थे। तो 93वें नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं और इनका जन्म जो हुआ था वो भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। विदेश मामलों के मंत्रालय ने एक नए कार्यक्रम समीप का शुभारंभ किया है ताकि भारतीय छात्रों को दुनिया में भारत का स्थान और इसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं की समझ बढ़े। तो समीप जो है वो छात्र और विदेश मंत्रालय के सहभागिता से चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। एग्जाम में पूछ सकता है कि समीप कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो वैसे तो विदेश मंत्रालय मामले के मंत्रालय द्वारा है, लेकिन इसमें जो सहभागिता है वो छात्र और विदेश मंत्रालय के सहभागी दोनों है इसमें, ठीक है। तो चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। मोटर वाहन विधेयक समिति ने एक राष्ट्र एक परमिट और एक कर प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। तो मोटर वाहन विधेयक समिति ने यह प्रस्ताव दिया है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। भारत का पहला और एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन हरियाणा में खोला गया। तो आपको ये बताना है कि हरियाणा किस वर्ष पंजाब से कटकर एक अलग राज्य बना था। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसी का उत्तर देना है, यानी टास्क ऑफ डे जो है वो यही है कि हरियाणा किस वर्ष पंजाब से अलग होकर राजधानी अलग राज्य बना, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज की तरफ। क्यूबा देश के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो वर्ष 2018 में पदमुक्त हो जाएंगे। इस समय जो देश के राष्ट्रपति हैं क्यूबा के वो हैं राउल कास्ट्रो। तो अब बात करते हैं क्यूबा से संबंधित अन्य जानकारी की। देखिए, क्यूबा की जो राजधानी है वो है हवाना और वहां पे जो सरकार है वो समाजवादी गणराज्य है, लेकिन वहां पे एकल दल साम्यवादी राज्य भी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्यूबा किस जगह अवस्थित है। तो क्यूबा कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो ये एक द्वीपीय देश है और कैरिबियाई सागर में अवस्थित है। आप मैप में जाकर एटलस में देख सकते हैं कि कैरिबियाई सागर में द्वीप ये जो क्यूबा द्वीप है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो इसे एक्स्ट्रा जानकारी यही थी कि राष्ट्रपति इसके राउल कास्ट्रो हैं जो 2018 में पदमुक्त हो जाएंगे। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मत से उत्तर कोरिया देश पर नए प्रतिबंध लागू करते हुए परिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थों तक उसकी पहुंच बेहद सीमित कर दी है। संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि उसके पास जो सुविधाएं बाहर से मिलती हैं वो ना पहुंच पाए, तो उन्होंने नया एक प्रतिबंध कानून लाया है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो उसके पास बहुत सीमित मात्रा में पहुंच पाए। किसके पास? उत्तर कोरिया के पास। तो अब बात करते हैं उत्तर कोरिया से संबंधित अन्य जानकारी की। तो उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग। और इससे जब इसको डिवाइड किया गया था तो एक राज्य बना था दक्षिण कोरिया और एक बना था उत्तर कोरिया। तो दोनों स्टार्टिंग में कोरियाई देश एक थे, बाद में इन दोनों को डिवाइड करके दो राज्य बनाए गए थे, एक उत्तर कोरिया और एक दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। यूनाइटेड किंगडम देश ने फोर्ब्स के वर्ष 2018 में व्यापार के लिए सर्वोत्तम देशों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम से संबंधित अन्य जानकारी की। देखिए, यूनाइटेड किंगडम ये देश का एक शब्दावली है जिसमें आपका उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स का वर्णन किया जाता है। ये चारों जो देश हैं, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन सभी को मिलाकर आपका ये सार्वभौमिक राष्ट्र जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं उसका निर्माण होता है। और जो ये सार्वभौमिक राष्ट्र है, ये चारों देश मिलकर ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम निर्माण करते हैं, जो स्वयं में भी अपने आप में एक देश कहलाते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम एक अपने आप में भी देश है और कई राज्यों का, कई देशों का एक समूह भी है, जैसे उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम एक बहुत बड़ा नाम है जिसमें कई सारे देश शामिल हैं। अब बात करते हैं अगले न्यूज की तरफ, दक्षिणी सूडान से संबंधित। देखिए, दक्षिणी सूडान देश की सरकार और विद्रोही समूहों ने 21 दिसंबर 2017 को 4 साल से चले आ रहे गृह युद्ध को समाप्त करने की नवीनतम कोशिश के रूप में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल लेवल पे कि दक्षिणी सूडान देश की सरकार और जो विद्रोही समूह थे उन्होंने मिलकर 21 दिसंबर 2017 को 4 साल से जो गृह युद्ध चलता आ रहा था
उसको समाप्त करने के लिए युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो अब बात करते हैं दक्षिणी सूडान से संबंधित अन्य जानकारी की। देखिए दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है और यहाँ पे जो सरकार है वो संघीय अध्यक्षीय लोकतंत्र गणराज्य की सरकार है। ठीक है, तो यहाँ पे संघीय अध्यक्षीय और लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार और इसकी जो राजधानी है वो है जुबा। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ, फ्रांस से संबंधित न्यूज है। फ्रांस 2040 वर्ष तक सभी तेल और गैस उत्पादन पर रोक के लिए कानून पारित किया है। तो फ्रांस के बारे में हमने कल बात की थी। फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। यहाँ पे जो सरकार है वो एक अर्ध अध्यक्षीय गणराज्य की सरकार है। और आपको वही उत्तर फिर से बताना है जो कल क्वेश्चन पूछा था, कमेंट आप लोगों ने नहीं किया था। तो यहाँ के पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? चलते हैं व्यक्ति विशेष से संबंधित न्यूज के बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल BS सहरावत राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो किन्होंने इसका यानी DG का पद किन्होंने संभाला है? तो BS सहरावत ने संभाला है। तो देखिए NCC जो है एक एक संस्था जैसी कार्य करती है। इसका जो मुख्यालय वो है दिल्ली में, यानी जहां पे DG बैठेंगे वो दिल्ली में है। और ये क्या करता है कि कई राज्यों से या पूरे देश के लेवल पे जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं वहां से छात्रों को चुनता है। और ये अपने आप वो निर्धारित करते हैं, ऐसा नहीं कि ये जबरदस्ती है। अब वो स्टूडेंट जो वहां के होते हैं वो खुद इस चीजों के लिए अप्लाई करते हैं। वो अगर इस NCC में भाग लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो ये एक छोटे स्तर पर एक संगठन है, आर्मी का एक दल कह सकते हैं, ताकि देश में अगर कभी भी इमरजेंसी की जरूरत पड़े तो उनका उपयोग किया जाए। तो NCC जो है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और NCC की जो सबसे पहले शुरुआत की गई थी वो जर्मनी में शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले शुरुआत जर्मनी में की गई थी। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। विजय रूपाड़ी को गुजरात राज्य का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो विजय रूपाड़ी जो होंगे वो गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगले न्यूज की तरफ, खेल से संबंधित न्यूज की तरफ चलते हैं। रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर की बराबरी कर ली है। यानी दक्षिण अफ्रीका के जो डेविड मिलर थे, इन्होंने भी T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन रोहित शर्मा ने जो भारत के हैं इन्होंने भी T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी की बराबरी कर ली है। अब चलते हैं लास्ट न्यूज की तरफ। डोपिंग मामले में रूसी देश के 11 अन्य एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो रूसी देश के 11 अन्य एथलीटों पर डोपिंग मामले में प्रतिबंध लगाया गया। डोपिंग एक मेडिसिन ऐसा होता है जिसको शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी शरीर की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए और हम खेल में बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाए। जबकि ये खेलों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे वैध है, मतलब आप डोपिंग यूज नहीं कर सकते। तो ये है आज तक के करंट न्यूज जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।